नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और मैं सत्या सिंह। मैं हूं विद्या ज्योति। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रभारी मंत्री ने मंजूर की 6 अरब से ज्यादा की जिला योजना। जिला योजना में ग्रामीण आवास और रोजगार की दिखी झलक। एसपी ने किया कोतवाली देहात का मोइना। भाजपा स्नातक व शिक्षक एमएससी का हुआ जोरदार स्वागत। लहरपुर बार एसोसिएशन चुनाव में जवाहर बने अध्यक्ष। यूपी बोर्ड ने जारी की जिले के 153 परीक्षा केंद्रों की सूची। मंदिर व महाविद्यालय का जीर्णोद्धार कराने में जुटे राजा कुंवर दिनकर प्रताप। ट्रेन से कटकर ग्रामीण की गई जान। अरब 36 करोड़ 98 लाख से जिले का विकास होगा। इसकी स्वीकृति प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह की अध्यक्षता में नैमिष सारण में हुई जिला योजना की बैठक में हुई। गत वर्ष की तुलना में इस बार जिला योजना के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई। खास बात तो यह है कि जिला योजना के बजट में ग्रामीण आवास और रोजगार कार्यक्रम को तरजीह मिली है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भरद्वाज, विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, विधायक हरगांव सुरेश राही, विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला, डीडीओ राकेश कुमार पांडे समेत जिला योजना समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला योजना की बैठक में माननीयों ने कई अफसरों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया। कहा कि अफसर बेलगाम हो गए हैं, उनकी सुनते तक नहीं। इस पर प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने अफसरों को जनप्रतिनिधियों से नियमित रूप से वार्ता की नसीहत भी दी। मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार ने विभागवार परिव्यय की जानकारी दी। बैठक करने के बाद बाहर निकली जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह से पत्रकारों ने गणतंत्र दिवस पर हुए किसान आंदोलन पर सवाल किए तो वो उन पर झुंझला गईं। सिर्फ इतना कहा, अगर बैठक के बारे में सवाल करते होते तो ज्यादा सही होता। फिर क्या था कि वो पत्रकारों से सवालों के जवाब दिए बिना ही बाहर चली गईं। जनपद की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने जिला योजना समिति की बैठक के पहले देव दर्शन किया। उन्होंने मां ललिता देवी और चक्रतीर्थ पर पूजन अर्चन किया। मंत्री ने विकास कार्यों की भी जानकारी ली। खेल विभाग में अंशकालिक खेल प्रशिक्षक रखे जाएंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी नरेश चंद्र यादव ने बताया कि योग्य इच्छुक खिलाड़ी प्रशिक्षक सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर जेम पोर्टल से जनपदवार आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार कार्यालय युवाओं को रोजगार का मौका देने जा रहा है। जिला सेवा योजना सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आईटीआई कॉलेज में 5 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा। इसमें 25 से 30 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी। साहित्य सृजन संस्थान बिस्वा ने कवियों के संग गणतंत्र के रंग भरे। लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्यासागर मिश्र ने अध्यक्षता की। साहित्यकार संदीप मिश्र सरस, राम कुमार सूरत, सुनीता यादव, शिव प्रताप सिंह, संदीप यादव सरल, धर्मेंद्र धवल, मुकेश चंद्र पांडे आदि ने काव्य पाठ किया। संचालन मुकेश चंद्र पांडे ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश गुप्त बीर के साथ ही शिवानंद प्रेमी, रामदास आदि मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर जय जावेद स्टेडियम कंदनी में शानदार क्रिकेट देखने को मिला। पत्रकार एकादश और बिस्वा जेसीज के बीच मैत्री मैच खेला गया। बिस्वा पत्रकार एकादश ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। पत्रकार एकादश के 4 विकेट लेने वाले ऋषभ शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। समाज सेवी शरद चौधरी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
इस मौके पर पत्रकार एकादश के कप्तान अमित जायसवाल, हिमांशु नाथ सिंह, अनूप भल्ला, अनमोल बहरोत्रा, अनमोल पीयूष शर्मा आदि खिलाड़ी मौजूद थे। बेटा के मुड़िला गांव में भाजपा ने समरसता भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक सुनील वर्मा, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, जिलाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा रामजीवन जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, जय कुमार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा, अजय पटेल, हरगोविंद मौर, ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, सूर्य श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, संजय अवस्थी, दिनेश शुक्ला, सज्जन वर्मा आदि ने भोज का आनंद लिया। संयोजन उमेश वाजपेयी ने किया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को विविध आयोजन हुए। इस दौरान सीडीओ संदीप कुमार ने उत्कृष्ट कार्य के लिए एनसीसी के लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर को प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें, लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर द्वारा समय समय पर स्वच्छता, सड़क सुरक्षा आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। खैराबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला महेंद्री टोला के भूपेंद्र रस्तोगी ने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। भूपेंद्र बुधवार की सुबह ही शहर स्थित ससुराल से आया था। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। आईएमए के वुमेन डॉक्टर्स विंग ने मिशन पिंक हेल्थ अभियान के तहत मेथोडिस्ट मिशन कन्या जूनियर हाई स्कूल सिविल लाइन्स में किशोरियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही आत्म सुरक्षा के गुण भी सिखाए गए। महिला थाना कोतवाली प्रभारी पूनम रानी दुबे ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के टिप्स दिए। इस मौके पर डॉक्टर जे गुप्ता, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर शेफाली गोयल, शोभे टंडन, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य आर पी मैसी, प्रीति सिंह आदि मौजूद थे। स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब ने जरूरतमंदों में मिष्ठान बांटकर गणतंत्र दिवस मनाया। इस पुनीत कार्य में अध्यक्ष डॉक्टर एथार शुक्ला, कृतिन शिवांग, इसरत यश अग्रवाल, दिव्यांश आदि मौजूद थे। आकाश इंस्टीट्यूट सीतापुर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आकाश मिश्र की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों के चित्र पर पुष्पार्चन किया गया और केक काटा गया। इस मौके पर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अनिल द्विवेदी, हरिओम मिश्र, अरविंद पांडे, आशीष मिश्र, मनीष मिश्र, मनीष अवस्थी आदि मौजूद थे। सीतापुर शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए बुधवार को जिला और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अभियान में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने लालबाग चौराहे से लेकर वैदेही वाटिका तक अतिक्रमण हटवाया। अभियान से फुटपाती दुकानों में अफरा तफरी मच गई। अभियान में प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, यातायात निरीक्षक करुणेश सिंह, पालिका ईओ गुरु प्रसाद पांडे आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आदर्श मोहली तहसील भवन का हाल शुरुआत होते ही मच्छिकापात होने जैसा है। तहसील के उद्घाटन के बाद से ही परिसर के हालात सामान्य नहीं हैं। अधिवक्ताओं के साथ ही स्टाम्प विक्रेता अधिकारियों से नाखुश चल रहे हैं। स्टाम्प विक्रेताओं ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर मोहित सिंह, सरोज राठौर, दुर्गेश बबलू राठौर, प्रशांत मिश्रा, विवेक वर्मा, रवि, रामकिशोर शुक्ला, राकेश, आदर्श दीक्षित, अवधेश शुक्ला आदि मौजूद थे। सीएससी के कक्ष सेवक जयप्रकाश मिश्र का आकस्मिक निधन हो गया है। अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा, डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद, निहाल अहमद, डॉक्टर एस के चौधरी, डॉक्टर रामासरे, पंकज टंडन, सुशील वर्मा, रतिभान, राधेश्याम विश्वकर्मा, प्रमोद बंसल, भूपेंद्र सिंह, नादिर अली, अजय पुष्कर, आकाश सिंह, रवि शाक्य, मोहम्मद रफी, बादल भारती, आकाश शेखर आदि ने शोक व्यक्त किया है। योगी सेना के स्थानीय कार्यालय नेरी में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ने ध्वजारोहण किया। वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी अमित मिश्रा, संजय मिश्रा, आलोक मिश्रा, पूनम मिश्रा, किरण मानवी, भोले, शिवो कृष्ण, मोहन मिश्र, प्रमोद पाल, मुकेश, विनीत, अनुज मिश्रा आदि मौजूद थे। एसआरके प्रीमियर लीग का 10th मैच अवध क्रिकेट एकेडमी ब्लू और गाजीपुर आर्यंस के बीच खेला गया।
गाजीपुर आर्यंस ने एक तरफा मुकाबले में 154 रनों से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्यंस टीम के पवन राय ने शानदार 82 और प्रीत राय 46 रन के बदौलत 274 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अवध क्रिकेट एकेडमी ब्लू की टीम 120 रन पर ढेर हो गई। शरद मिश्रा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने थाना कोतवाली देहात का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय कंप्यूटर कक्ष के साथ ही परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। भारत परिषद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई बस्ती स्थित जिला कार्यालय नई बस्ती में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें महासचिव आकाश राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर याकूब खान, उपाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, संगठन मंत्री सीमा वाजपेयी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अनुपमा द्विवेदी, छायाकार प्रकोष्ठ अध्यक्ष अजीत सक्सेना, विधि प्रकोष्ठ के मुईद अहमद, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सचिन त्रिपाठी और महिला युवा मोर्चा की शिखा शर्मा को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वी के सिंह, मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्य आदि मौजूद थे। खैराबाद के भुइयाताली तीर्थ परिसर में मनरेगा से पार्क बनेगा। एपीओ नितिन गुप्ता, तकनीकी सहायक मनोज श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव और देवानंद ने परिसर का मुआयना किया। एपीओ ने बताया कि 90 फीट लंबे और 55 फीट चौड़े इस पार्क में गोल झोपड़ी, इंटरलॉकिंग शोभादार पेड़, झूले व फव्वारे लगाए जाएंगे। हरद्वारी बाबा, बाबा मंजीत सिंह, निरंकार गुप्ता, बाबूराम बाथम, अंकित गुप्ता, सुमन गुप्ता, आलोक वाजपेयी, रजत टंडन, संदीप अवस्थी, अवध बिहारी मिश्र, पवन कुमार गुप्ता, रोमिल गुप्ता, विकास गुप्ता, आदित्य शंकर अवस्थी आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7वें प्रांत अधिवेशन में नव निर्वाचित विभाग सह संयोजक भूपेंद्र सिंह की अटरिया कस्बे में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाकियो अवध प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वायु नायक कश्यप, भूपेंद्र सिंह तोमर, अंकित गिरी, उत्तम कश्यप, सचिन यादव, रमाकांत यादव, मनोज मिश्र, गुड़िया यादव, सूरज शर्मा, सचिन यादव सहित अन्य तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। फाउंडेशन की ओर से कसमंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत उसरी और भिटौली के प्राथमिक विद्यालयों और मां दुर्गा शिक्षण संस्थान में स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षिका पुष्पा ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पवन वाजपेयी, आराधना दीक्षित, मधुरा प्रसाद पांडे, शिप्रा दीक्षित, वंदना अवस्थी आदि मौजूद थे। एम्बुलेंस सेवाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस पर एम्बुलेंस वाहनों की तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा जिला चिकित्सालय से शुरू हुई, इसके बाद शहर में भ्रमण करते हुए दोबारा जिला अस्पताल में संपन्न हुई। इस मौके पर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए के अग्रवाल, डफरिन अधीक्षिका डॉक्टर सुषमा कर्णवाल, दीपा शुक्ला, स्वाति गुप्ता, निधि दीक्षित, अखिलेश सिंह, सचिन वर्मा, विवेक, अनुराग, रूबेश, लता, बालकृष्ण, प्रदीप, राजकरण, मनीष, संदीप, जफर, मिराज, सोनी, अंजू, दीपक, अनमोल, वीरेंद्र, राजन आदि मौजूद थे। लहरपुर कोतवाली के बिस्वा मार्ग पर जीतामऊ गांव के निकट बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मेनौरा निवासी सुनील घायल हो गए। घायल का इलाज सीएससी लहरपुर में चल रहा है। सीतापुर आते समय सिदौली क्षेत्र में शिक्षक एमएलसी उमेश त्रिवेदी और स्नातक एमएलसी अवनीश सिंह पटेल का जोरदार स्वागत किया गया।
विधानसभा क्षेत्र सिधौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। अटरिया में मंडल अध्यक्ष कौशलेश भारती, सिधौली में मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता और कसमंडा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर गिरी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान सुधीर सिंह, दिलीप निगम, गौरव मिश्रा, सरबजीत यादव, नीरज सिंह, रामकरण रावत, रामनिवास विश्वकर्मा, आचार्य मनीष पांडे बबलू, जयपाल शर्मा, अनुप श्रीवास्तव, रामजी मिश्रा, सुभाष गिरी आदि मौजूद थे। जिले में अलग अलग थाना पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना मानपुर पुलिस ने वारंटी लखनऊ के थाना इंदिरा नगर के शीतल बिहार फरीद नगर निवासी संतराम को गिरफ्तार किया। थाना सदना पुलिस ने थाना कस्बा निवासी वारंटी रामासरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना सिधौली पुलिस ने कोतवाली के भट्ट खेरवा निवासी वारंटी राम कुमार को धर दबोचा। थाना सकरन पुलिस ने चोरी की कार के साथ एक आरोपी रहीम निवासी नई बस्ती मल्लापुर थाना तंबौर को मदनापुर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की कार व 15,000 की नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सैयद अहमद, हेड कांस्टेबल रामधनी वर्मा, कांस्टेबल अर्जुन सिंह व कांस्टेबल आकाश कुमार सिंह शामिल थे। अलग अलग थाना पुलिस ने अभियान चलाकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 65 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। थाना कमलापुर पुलिस ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के संग प्रमोद निवासी अकबरपुर थाना कमलापुर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मछरेटा पुलिस ने विश्राम निवासी गुलरिया थाना मछरेटा को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के संग दबोचा है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने रेशमा और राजू निवासी पिपरी मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने क्षेत्र में सराहनीय कार्यों का बीड़ा उठा रखा है। क्षेत्र में नेक कार्यों के साथ ही अब उनके द्वारा प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर, कमलापुर और महाविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। लहरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री समेत पदों के चुनाव में बुधवार को 99 में से 95 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता जवाहरलाल मिश्र और कमलेश्वर त्रिपाठी और महामंत्री पद के लिए रवि प्रकाश वर्मा व राम सूचित गौतम के बीच सीधा मुकाबला हुआ। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता दिनेश श्रीवास्तव, कमेटी के चेयरमैन कन्हैयालाल तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष प्रमोद वाजपेयी की देखरेख में संपन्न हुआ। लहरपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता जवाहरलाल मिश्रा एक बार फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। जवाहरलाल मिश्रा को 64 मत व कमलेश त्रिपाठी को 29 मत मिले, जबकि 2 मत निरस्त हुए। महासचिव पद पर रवि प्रकाश वर्मा निर्वाचित हुए। रवि को 70 मत और राम सूचित को 22 मत मिले, जबकि 4 मत निरस्त हो गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अधिवक्ता बालकृष्ण वर्मा, महेंद्र भार्गव, हरिराम भार्गव, सुश्री हिमांशी भार्गव, दिनेश गौतम, दिनेश भार्गव, देवेंद्र पांडे, श्रवण जायसवाल, हाजी साबिर अली, बूटा सिंह, रमेश वाजपेयी राम ने बधाइयां दी। बार एसोसिएशन लहरपुर के चुनाव में कई अधिवक्ताओं ने धांधली का आरोप लगाया। अधिवक्ता नंद किशोर कनौजिया, आशीष शुक्ला सहित 7 अधिवक्ताओं का आरोप है कि वो बार के सदस्य हैं और नियमित व्यवसाय करते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार सीतापुर जिले में 153 केंद्रों पर होंगी। इसमें 18 राजकीय, 44 अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं 91 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। सभी केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सीतापुर जिले में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक देवी सहाय तिवारी ने बताया कि सभी विद्यालय बोर्ड परीक्षा केंद्रों का अवलोकन कर लें। अगर किसी को भी कोई आपत्ति और शिकायत है तो 30 जनवरी तक आपत्तियां विभाग को उपलब्ध करा दें, जिससे कि उनका समाधान कराया जा सके। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद मिश्र ने बुधवार को कार्यालय पर संगठन के कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी गहन मंत्रणा की गई।
बैठक में प्रदेश प्रवक्ता विनोद मिश्रा ने कहा कि जनता का अगर उत्पीड़न होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिला महासचिव अवधेश कुमार मौर्य ने भी अपने विचार रखे। बैठक में समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता अमरज्योत शुक्ला समाजवादी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ में समाज सेवी सतीश राठौर ने भी पार्टी की सदस्यता ले ली। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष किशोरी लाल कोरी, जिला महासचिव अवधेश कुमार मौर्य, जिला कोषाध्यक्ष अखलाक अंसारी, जिला उपाध्यक्ष रियाजुद्दीन, दीप नारायण मिश्र, नगर अध्यक्ष मनोज आर्य, लवकुश यादव, सतीश राठौर आदि उपस्थित थे। किसानों के समर्थन में गणतंत्र दिवस पर सिधौली से विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने खुद स्टीयरिंग संभाली और विधानसभा क्षेत्र के मास्टरबाग से बरेठी, ऊंचा खेरा व भंडिया आदि गांव होते हुए 15 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली निकाली। इस अवसर पर रमेश यादव, बबलू यादव, शिव मोहन सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य शिव शंकर यादव, मनोज कुमार यादव, रामकरण यादव, अभिषेक यादव, संत लाल आदि उपस्थित थे। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। इसी कड़ी में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण एवं संपर्क अभियान समिति खंड कमलापुर की अगुवाई में क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाया गया। अभियान में सिंह ढाबा के शिव शंकर सिंह ने 21,000, पतारा कला प्रधान गुड्डू भारती, बम्हेरा प्रधान प्रभाकर प्रताप सिंह, बहरी मऊ प्रधान महेंद्र प्रताप सिंह यादव, बम्भौरा प्रधान श्री कुमार ने 51,500 रुपए की निधि का समर्पण किया। इसके अलावा हमीरपुर के अनुज सिंह राठौर ने 11,000 की निधि का समर्पण किया। नव निर्वाचित शिक्षक व स्नातक भाजपा विधायकों का बुधवार को श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में आयोजित समारोह में भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा की अगुवाई में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं, बुके व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। स्नातक विधायक अनीश सिंह पटेल ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से सीतापुर में इतिहास लिख दिया है। अंतिम सांस तक आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। संचालन जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने किया। इस अवसर पर आनंद दीक्षित, राजेश्वर रस्तोगी, संजय मिश्रा, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, रमेश भार्गव, कार्यालय मंत्री जितेंद्र मल्होत्रा, इंदु सिंह चौहान, सुधाकर शुक्ला, हरीश पटेल, सोनू पटेल, नीरज वर्मा, झल्लर, नैमिश रतन तिवारी, पंकज पांडे, अजय विश्वकर्मा, सुधीर सिंह, जया सिंह, उदित वाजपेयी, राजकुमार अग्रवाल, कंचन पांडे, अनूप विश्वकर्मा, सुनील मिश्रा, गोविंद भारती, राजीव मल्होत्रा आदि मौजूद थे। भाजपा के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी और स्नातक एमएलसी अवनीश वर्मा को श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के प्रबंधक विवेक अग्रवाल, ट्रस्टी राजेंद्र अग्रवाल, विद्यालय प्रशासक हरिनाम सिंह, अशोक प्रजापति ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिक्षक चुनाव संयोजक सुधाकर शुक्ला, स्नातक चुनाव संयोजक राजेश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्र ने प्रतीक चिन्ह भेंट किए। भाजपा के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी और स्नातक एमएलसी अवनीश वर्मा ने सीतापुर प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में जगह जगह स्वागत किया। सबसे पहले अटरिया, सिधौली व खैराबाद टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। इस अवसर पर संदीप अवस्थी, आकाश अग्रवाल, उत्तम वर्मा, अमर वाजपेयी, राजा राम निषाद, कौशलेश भारती, अभिषेक मिश्रा, कामेश शुक्ला, सत्यम सिंह आदि मौजूद रहे। बकरी चराने गए ग्रामीण की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। थाना रामपुर कला क्षेत्र के पलिया निवासी राजेंद्र पुत्र मैकुलाल बुधवार की दोपहर घर से बकरी चराने के लिए गए थे। अचानक बकरी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिसको भगाते समय राजेंद्र ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घर वालों ने बगैर सूचना दिए शव को घटनास्थल से उठाकर अपने घर ले आए।
परिवहन विभाग व पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया है। समूचे जिले में चलाए गए अभियान में 165 का चालान किया गया, साथ ही 650 वाहनों का यातायात के नियम बताए गए। इस मौके पर एआरटीओ प्रबंधक डॉक्टर उदित नारायण पांडे, पीटीओ शहपर किदवई, टीआई करुणेश सिंह मौजूद थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर।